हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका पास सीआईबी का बीएफएम रिटेल बैंकिंग पेपर के ऊपर है, जिसे हम वन डे चैलेंज प्रोग्राम निकाले हुए हैं। वन डे चैलेंज प्रोग्राम का मतलब होता है कि हम एक दिन में अगर पढ़ते हैं सही से तो हमारे पास चांसेस होता है कि हम पेपर को पास कर सकते हैं। ठीक है, इसका कुल यही मतलब होता है। आपको उसी हिसाब से पढ़ाई करनी होगी, उस हिसाब से आपको काम करना होगा। तो एक दिन आप एबीएम के लिए एक दिन आप पढ़ेंगे बीएफएम के लिए, इवन आप एक दिन बीएफएम के लिए पढ़ लेंगे, और रिटेल के लिए जो संडे का दिन होगा, जो सॉरी सैटरडे का दिन होगा, उस दिन में आप पढ़ के काम चला सकते हैं। ठीक है, तो बस कुल मिला के अगर आप एक दिन भी ले लीजिए छुट्टी बीएफएम के लिए भी, और रिटेल बैंकिंग को सैटरडे के दिन हम लोग जब आएंगे तब पढ़ाई करेंगे, तो हम लोग संडे को फिर एग्जाम दे पाएंगे। तो संडे को हम लोग कुल मिला के यहाँ पे भी 12 घंटा पढ़ सकते हैं रिटेल बैंकिंग में। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप एक दिन और छुट्टी लगा लीजिए रिटेल बैंकिंग के लिए भी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हो कि या तो एक दिन की छुट्टी ले लो या दो दिन की छुट्टी ले लो। ठीक है, दोनों ही काम करेगा आपके लिए। अब सेंटर कितने नजदीक है दूर है ये भी बहुत मायने रखता है, पर अच्छा 3 घंटा जाने में लगता है, 3 घंटा आने में लगता है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके से छुट्टी ले लीजिए। बट सेंटर नजदीक है तो आप एक दिन की छुट्टी लेके भी काम चल जाएगा। जो मैंने वीडियो कोर्स बनाया है वो ऐसा है कि आप एक दिन के अंदर ही पूरा कोर्स का सिलेबस खत्म कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें थ्योरी और केस स्टडी दोनों पढ़ लेंगे हम। तो पहले तो हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको। चाहे आपका पेपर बीएफएम हो या रिटेल हो, दोनों ही जगह थ्योरी और न्यूमेरिकल्स यानी केस स्टडी आती है। ठीक है, ये दोनों ही जगह पूछा जाता है, तो ये चीज आपको समझना होगा। थ्योरी भी पूछ रहे हैं, केस स्टडी भी पूछ रहे हैं। तो अगर मैं यहां ये बोलूं कि हमें ये दोनों के दोनों पोर्शन जो है आप एक दिन में खत्म कर सकते हैं, तो आप सीधा चीज है एक दिन की छुट्टी ले लीजिए, वन डे लीव ले लीजिए। ठीक है, काम हो जाएगा आपका और सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, जो आपका पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको काम क्या है, आपको जब आप लॉग इन करिएगा पोर्टल में, जब लॉग इन करते हैं तो उसके अंदर आपको एक चीज दिखेगा जिसका नाम है वर्जन 1। क्या दिखेगा? वर्जन 1। आपको याद रखना कि वर्जन 1 का ही वीडियो आपको केवल पढ़ना है, तो याद रखिएगा वर्जन 1 का केवल वीडियो पढ़िएगा। हालांकि आपको वर्जन 1 भी दिखेगा और वर्जन 2 भी दिखेगा। वर्जन 2 ज्यादा अच्छा है बट समय ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं मना करूंगा वर्जन 2 पढ़ने के लिए। वर्जन 1 पढ़िए, वीडियो सुनना है, समझना है। ना नोट्स बनाएंगे ना नोट्स को डाउनलोड करेंगे, दो बात ध्यान सुनिएगा। नोट्स बनाएंगे, नोट्स डाउनलोड करेंगे, केवल वीडियो को सुनेंगे ध्यान से, बस इतना करते चलिए। और उसके बाद सबसे जरूरी चीज होता है मॉक टेस्ट देंगे। जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना, तब पता चलेगा क्या नंबर आ रहा है क्या नंबर नहीं आ रहा है। आपको ऐसे कोई बोल नहीं सकता है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होता है कि यहाँ पे आप जितनी मिस्टेक्स करेंगे उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ के बात आप, तो ये चीज होता है, इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट अगर यहाँ दे रहे हैं तो आपको यहाँ नंबर आए तो वहां रियल एग्जाम में इतना नंबर आ जाता है आपको। तो यही चीज है जो हम लोग आपको पूरा कवर करवाएंगे। अब आते हैं कोर्स के ऊपर, कैसे क्या कोर्स रहता है। इस प्रोग्राम का नाम है फेस-टू-फेस वीडियो कोर्स। ठीक है, इसमें आपको जिस फेस टू फेस वीडियो कोर्स में, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं बोल रहा बता रहा फॉर्म में सारे वीडियोज रहता है, तो ये वीडियोज होती हैं और ये ऑनलाइन होता है, रिकॉर्डेड वीडियो होता है, जब चाहेंगे तब देख सकते हैं। 24x7 आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग वैलिड होगा। ऐसा ही मान लेते ना कि मेरा नहीं निकला पेपर, तो नहीं निकला तो भी अगले बार के लिए काम आ जाएगा आपको। ठीक है, खराब कहीं एक्सपायर नहीं होता ये। इसमें क्या हो जाएगा, वीडियो लेक्चर कोर्स होगा, फिर होगा केस स्टडी का वीडियो, तीसरा नोट्स हो जाएंगी पीडीएफ में, चौथा एडिशनल रीडिंग मटेरियल होगा,
वीडियो प्लस पीडीएफ। पांचवा आपको 30 मॉक टेस्ट होगा। छठा 12,000 सेट का क्वेश्चन बैंक है। बेसिकली 30 में मतलब क्या है, 10 मॉक टेस्ट पर पेपर हो गए 10 into 3, उसी तरह यहां है 4,500 इतना इंटू 3 तो 12,000 मॉक टेस्ट हो गया। सो 12,000 सेट का क्वेश्चन बैंक हो गया। ठीक है, अगर आप CAIIB का ABM का पेपर करते हैं या फिर BFM का पेपर, सॉरी ABM, ठीक है, ABM या फिर BFM का पेपर करते हैं तो इसका दाम है 1500 रुपए। ABM BFM इवन डिटेल का भी करते हैं तो भी 1500 रुपए ही दाम है। कोई पेपर कर लीजिए, CAIIB का अगर आप ABM प्लस BFM करते हैं तो दाम है 2700 रुपए। CAIIB का कॉम्बो पैक करते हैं, इसका मतलब है ABM प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग, तो इसका प्राइस है 3000 रुपए, 3500 रुपए। ठीक है, ओके। अब ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं, कॉलर्स नंबर हो जाएगा 4×9 685127। दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में भी जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jaiibcaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, थैंक यू।